गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में मैसेंजर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उन नंबर की मल्टीप्लाई बताने जा रहा हूँ जो नंबर 100 के बिल्कुल करीब है, यानी वो नंबर विच आर क्लोजर टू 100, उनकी मल्टीप्लाई कैसे विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 97 की मल्टीप्लाई करनी है 96 के साथ, तो आपको करना क्या है? तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करने का बड़ा ही इजी वे है। आपने देखना है कि 97 जो है ये 100 में से कितना कम है, ये 100 में से 3 माइनस है, और ये 96 100 में से कितना माइनस करें, 4 माइनस करें। तब आगे का स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? आगे का स्टेप है कि आपने या तो इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। 97 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 93, अगर 96 माइनस 3 करें तो भी 93 आएगा। अब आगे आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12, तो हमारे पास 97 और 96 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी हो जाती है, 9312। एक दो और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास 89 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 93 के साथ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपने देखना है 89 हमारा 100 में से कितना माइनस है, माइनस 11 करें तो हमारे पास 89 आएगा 100 में से, और 93 हमारे पास 100 में से कितना माइनस करें, 100 में से अगर हम लोग 7 माइनस करें तो 93 आएगा। तो अब करना क्या है, आपने इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको, तो स्टूडेंट्स 93 माइनस 11 करें या 89 माइनस 7 करें, 89 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 82, या 93 माइनस 11 करेंगे वो भी हमारे पास 82 आएगा। अब इसके बाद हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस प्लस, 11 7 जा 77, तो हमारे पास इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है, 8277। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मेरे पास 89 की मल्टीप्लाई करनी है 87 के साथ, तो कैसे होगी? देखिए 89 को हम 100 माइनस 11 करेंगे और 87 को 100 माइनस 13 करेंगे, तो अब इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 76, इसमें से इसको माइनस करें तो भी 76। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 11 और 13 की मल्टीप्लाई आएगी 143। तो 143 हमने टू डिजिट्स लेने हैं, हमने 143 आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 13 तो 143, तो 43 ले लिया हमने, और जो 1 बचा है कैरी इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7743। अब स्टूडेंट्स जो नंबर 100 से ज्यादा है उनकी कैसे करेंगे? सपोज हमने 106 की मल्टीप्लाई करनी है 102 के साथ, तो यहाँ पे ये 100 में कितना प्लस करें, प्लस 6 करें तो, और ये प्लस 2 करें तो हमारे पास 102 आएगा। अब वही सेम चीज करनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेप सेम है, इसमें से इसको प्लस करें, अब यह प्लस का 2 है, या इसमें इसको प्लस करें तो 106 में 2 ऐड करेंगे तो 108 आएगा, 102 में 6 ऐड करें तो भी 108 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा हमारे पास 12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 100 प्लस वाले नंबर की भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर 100 प्लस है, दूसरा हमारे पास 100 माइनस है, सपोज ये है हमारे पास 97, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी 97 हमारे पास 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97 आएगा, तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें इसको प्लस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 103 आएगा स्टूडेंट्स, तो या इसमें इसको प्लस करेंगे तो भी 103 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 18 माइनस का 18 आएगी, तो हमने इसको यहाँ पे लिखना है। अब क्योंकि ये माइनस आई है मल्टीप्लाई तो हमने नीचे लिख दिया, अब क्योंकि हमने 100 बेस माना है तो हम इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये 201। तो इस तरह से हम 100 प्लस और 100 माइनस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।